भक्त माता कर्मा यानी कि कर्मा साहू समाज की परंपरागत देवी मानी जाती है और आज ग्राम पंचायत तुसमा में कर्मा जयंती को लेकर उत्सव मनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मंत्री और कहा जाए कि सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी ताम्रध्वज साहू जी यहाँ आए हुए थे। और आज हमारे साथ कोरबा यानी कि ऊर्जाधानी से कुछ लोग हैं जो कर्मा आप देख पा रहे होंगे कर्मा भूत व्यवस्था में है वो लोग, और क्या कुछ विशेषताएं मानते हैं कर्मा को लेके, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बहुत परंपरागत ये नाच मानी जाती है। और ऊर्जाधानी से यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं बात करने के लिए, आप ये बताएंगे क्या कुछ आप लोगों की विशेषताएं हैं इस कर्मा में, क्या कुछ और विशेष नाम है इसका? जी, हम कोरबा जिले से आए हैं और हमारा पार्टी का नाम है युवा कर्मा पार्टी मुढ़ू नारा, और ये पारंपरिक कर्म नृत्य है जो पुरखों से चला आ रहा है, उसी के लेकर हम पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलाते आ रहे हैं। क्या कहते हैं कर्मा को आप लोग, इसका क्या उस वैसा जो आप तैयार करके भी आए हुए हैं, नाच गाना कर रहे थे, नाम क्या रखते हैं इनका? इसका अलग अलग नृत्य भैया, इस कर्मा का एक छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कर्मा नृत्य दल, जो अलग अलग तरह से होते, उसी तरह से हम भी सीखे हैं। जो अभी नया युवा वर्ग के लोग जो पसंद आया, उसी तरह से हम भी नए ढंग से सीखे हैं। कितने सालों से लगातार आप लोग इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं? ये लगातार कम से कम हमें 5 साल हो रहे हैं भैया लगातार। क्या नाम है? जी, हमारे ग्रुप का युवा कर्मा पार्टी मुढ़ू नारा। जैसे आपने तैयार किया हुआ है, क्या कुछ इस पार्ट को क्या कुछ नाम से आप लोग कहते हैं? जैसे इसको पहले कलगी लगाते थे, अब इसको हम प्लास्टिक फूल के, अब कलगी तो प्रतिबंध हो गए हैं, तो उसी के लिए हम ये प्लास्टिक के फूल बनाए हैं जो इसे कलगी के रूप से वेशभूषा के लिए लगाए हैं। और जो हाथ से पकड़ते हैं ये झांझ है भैया, और एक टासा है, और निशान, और साथ में मादर रखते हैं भैया, इसी से हम ये वाद्य यंत्र स्टार्ट करते हैं और उसी के ताल में हम नाचते हैं थिरकते हैं। कितने लोग हम अभी 30 के ग्रुप में हैं भैया, पहले हम 40-50 हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ महुआ सीजन आ गया है तो महुआ सब भीड़ रहते, इसी में हम अब 30 ही लोग आ पाए यहाँ। ये मानते हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोकल रहने वाले संस्कृतियों को उजागर कर रही है, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जो आप लोग रह रहे हैं इस उस वैसा को मानते हैं, क्या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या कुछ अभी तक दिया गया है? अभी तक तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुछ नहीं दिया है, हम एक बार राज्य महोत्सव में भी गए थे लेकिन वहाँ से आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं हुआ है। क्या आप लोग आदिवासी में आते हैं? जी, आदिवासी में आते हैं। आदिवासियों को छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ के तमाम जो पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि लगातार आदिवासियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको क्या कुछ सही? बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन ये लगता है कि हमारे तक ये जो बढ़ावा दे रहे हैं वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? अब इसके लिए जो नीचे स्तर के जो सदस्य हैं, जैसे कि जनपद सदस्य, जिला सदस्य, जो गांव-गांव पहुंचाते हैं, तो शायद इसी के चलते नहीं पहुंच पा रहे होंगे, कार्य सही से नहीं कर पा रहे। हाँ, कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार चुनाव आने वाले फिर से, अब कैसे लोगों को इस बार आप लोग चयनित करेंगे कि आप लोगों की मदद कर पाए? एक हम दृढ़ निष्ठ और जो समाज सेवा हो, हम उसी के लिए हम अपना मतदान करेंगे और हम देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे आप लोग कर्मा नृत्य कर रहे थे, कितने वाद्य यंत्र आपके पास हैं? इसमें हमारे पास अभी 16-17 वाद्य यंत्र है, जो अलग अलग तरह से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जिसमें झांझ का, टासा का और निशान का अलग अलग जो यंत्र है, लय है, वो अलग अलग तरह से बजाते हैं, और जिसमें हम अलग अलग से नृत्य करते हैं। क्या गाना गा करके बजाते हैं? गाना तो नहीं गाते हैं भैया, गाना पहले गा रहे थे, अब गाना गाने से जो हमारे जो स्टेप है वो बिगड़ता है, इसलिए अभी गाना नहीं गा रहे हैं, अभी बस नृत्य करते हैं। और कुछ भाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताएंगे
कि लगातार छत्तीसगढ़ में संस्कृति को लेकर के बढ़ावा दिया जाता है, छत्तीसगढ़िया सरकार है कहते हैं, आप भी आदिवासी, कितना हद तक सरकार की जो योजना है आप लोग तक पहुंच पा रहे? अभी तो नहीं पहुंचा है भैया। क्या कारण मानते हैं कि आप लोग तक योजना नहीं पहुंच पा रही? तो मैं कहूंगा कि भूस भेषा को आप देख करके मोहित हो जाएंगे कि जब ये लोग अपने नृत्य जो करते हैं तब आप उस देख करके, बाकी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, लेकिन योजनाओं की बात करते हैं आदिवासियों को लेकर के, लोक नृत्य को लेकर के, लेकिन धरातल पर जिस प्रकार से यह लोग कह रहे हैं कि धरातल पर योजना क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, यह कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक सोचनीय विषय है और सरकार को और जिम्मेदार लोगों को इनके बारे में सोचना चाहिए। धनवीर जाहिर, आरजे न्यूज़, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।